राजभर को बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने झुकने को मजबूर कर दिया। घोसी लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने घुटने पर बैठकर और फिर झुककर उनसे आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद इस पर सफाई भी दी है। अरविंद राजभर घोसी लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी है। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी नेताओं के लिए अपशब्द कहे थे, लिहाजा उनके बेटे ने कार्यकर्ताओं के सामने आकर माफी भी मांगी। तो देखिए ये वीडियो सोशल मीडिया पर, ये वीडियो खूब सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता ओम प्रकाश राजभर से नाराज बताए जा रहे थे। पिछले विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी नेताओं के लिए अपशब्द कहे थे, लिहाजा उनके बेटे ने कार्यकर्ताओं के सामने आकर माफी भी मांगी। और इस वीडियो के सामने आने के बाद से विपक्ष के कई नेता बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। माफी मांगने के लिए विवश किया गया, अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया, ये एक व्यक्ति का नहीं समाज का अपमान है। अखिलेश यादव ने इस वीडियो के सामने आने के बाद ये सवाल उठाए, ओपी राजभर के बेटे से माफी मंगवाई गई, जैसा कि इस वीडियो में देखा जा सकता है। घोसी लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर का ये वीडियो है, जो सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। और इस वीडियो में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने घुटने पर बैठकर माफी मांगते हुए ये नजर आ रहे हैं। अरविंद राजभर पर अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है।